गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 13 बेसिक कंस्ट्रक्शंस यूजिंग रूलर एंड कंपास। ओके, तो इस वाले में आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लिखनी है, ठीक है। द वर्ड बाइसेक्ट, इस वाले चैप्टर में हमको बाइसेक्ट करना सीखना है। तो वर्ड बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, टू डिवाइड इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल साइज। किसी भी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना इक्वल साइज में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 का है तो हम कितने में डिवाइड करेंगे इसको, 5 में, इक्वल पार्ट्स में करना चाहिए, ठीक है। ओके, और जैसे 8 है तो आप 4 में डिवाइड करोगे, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, बाइसेक्ट। तो आप इसको पहले राइट कर लोगे ये वाली लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट इक्वल टू द गिवन लाइन सेगमेंट। जो आपको ये लाइन सेगमेंट दिए गए हैं ना, उसको क्या करना है, उसी के इक्वल साइज में क्या करना है, लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ए और बी जो है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको ए को 0 पे रखकर बी तक मेजर कर लेना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 0 से लेके ये 2.6 तक आ रहा है, 2.6 तक आ रहा है। तो आपको एक अदर लाइन बनानी है 2.6 की, और उसका कोई भी नाम पी क्यू दे देना है ऐसे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए एक लाइन बनाई, उसमें एक्स और वाई जो है वो 2.6 का ही बनाया है, ठीक है। कितने का बना दिया, 2.6 सेंटीमीटर का। ओके, तो लिख देंगे कि लाइन सेगमेंट एक्स वाई जो हमने बनाई है वो इक्वल है किसके, ए बी के, जो हमको गिवन लाइन थी ए बी के। ओके, ऐसे ही आप फिर क्या करेंगे, पी क्यू जो है, ठीक है, पी क्यू जो है उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे पहले पी क्यू कितने का है, ठीक है। आप यहाँ पे रख के ऐसे पी क्यू को मेजर कर लीजिएगा, 2.6 का आ रहा है ये भी, नहीं एक मिनट, 2.5 का आ रहा है, ठीक है। तो आप दूसरा बनाएंगे ए बी एक 2.5 का, ओके, 2.5 सेंटीमीटर का। ए बी किसके इक्वल होगा, जो हमको गिवन क्या था, पी क्यू के। तो लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, सी ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। एक्स वाई को मेजर करेंगे, उसका जितना भी आएगा उसी एक नई पी क्यू बनाएंगे, उसमें लिख देंगे कि कितने सेंटीमीटर आया, ठीक है। और एम एन ऐसे ही बनाएंगे, तो एम एन का कौन अपोजिट बनाया हमने, एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एम एन के। ये क्वेश्चन नंबर 1 था कि जितने का आपको दिया था आपको दूसरा उतने का एक बनाना है उसके इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट हैविंग द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग रूलर एंड कंपास टू बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम, ठीक है। आपको 5 सेंटीमीटर का क्या बनाना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो हमने क्या किया, आपने स्केल खोली, स्केल से 5 सेंटीमीटर को मेजर कर लीजिएगा, जितना आए उतना क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। ऐसे ही सेकंड क्या था, 6.7 सेंटीमीटर का, तो आप ये 6.7 सेंटीमीटर का बना लोगे। थर्ड 8 सेंटीमीटर का, और फोर्थ है 5.6 सेंटीमीटर का। फिर आपको अपन को बाइसेक्ट करना है, तो आप एक लंबी सी लाइन बनाओगे, ठीक है। उसमें ए बी 5 सेंटीमीटर था, तो ए बी 5, ठीक है। फिर क्या दूसरी थी अपन की 6.7 तक, तो इसको और बढ़ा के 6.7 तक किया, 0 पे ही ए को रखेंगे, 6.7 तक करेंगे, ठीक है। सी को बढ़ाकर 8 तक करेंगे, फिर डी को बढ़ाकर 5.6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगी, हमारी बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो है वो एक लाइन सेगमेंट था, ठीक है, जहाँ पे ए बी का बराबर कितनी वैल्यू थी, 5.6 सेंटीमीटर, ए सी की 6.7 सेंटीमीटर, ए डी की 8 सेंटीमीटर, ए पी की 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पहले एक ए बी लाइन बनाओ जो कि कितने की है, 10 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, इधर पे रखकर ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर की बना लेंगे। ये देखिए ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर की, ठीक। बनाने के बाद यूज रूलर एंड कंपास, ए बी को डिवाइड करना है हमको 4 पार्ट्स में, 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, फिर हमको बताना है उसकी ईच पार्ट्स की लेंथ क्या होगी। तो देखिए 10 का आधा, 4 पार्ट्स में 10 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अपना इससे, ठीक है, 2.5 करेंगे, 2.5 खोलकर ए पर रखकर, ठीक है। पहले देखिए 10 का आधा कितना होता है, 5, तो आप एक बीच में 5 को एक पॉइंट करेंगे जो कि क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब इस क्यू पे रखकर 5 सेंटीमीटर का ये कार्क खोलकर, इधर पे ये कार्क काटेंगे ये, ठीक है,
और एक इस साइड से भी PQ पे ही रखकर एक इधर आर्क काटेंगे, ठीक है। ये काटने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से एक और आर्क काटेंगे और इस वाले पॉइंट से एक और आर्क काटेंगे, ठीक है। तो हमको तीन पॉइंट मिल जाएंगे, तीनों से हम लाइनें खींच देंगे, ठीक है। जब ये मिल जाएगा तो इससे फिर पाइप का एक यहाँ काटेंगे और एक ही वाला पॉइंट मिला है तो यहाँ से एक आर्क ये काटेंगे, ठीक है। फिर सबको क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमारे चार इक्वल पार्ट हो गए, AP, दूसरा है PQ, तीसरा है QR और चौथा क्या है RB, ठीक है। ये चारों जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, इक्वल, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट 4.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर का ये क्या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक। फिर क्या करना है, नाउ कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। इसका हमको बाइसेक्ट करना है तो 4 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 को ही खुलकर एक बार यहाँ कैंसिल करेंगे, एक बार यहाँ करेंगे, ऐसे ही एक तरफ नीचे एक बार करेंगे और एक नीचे से यहाँ से आर्क काटेंगे, ठीक है। फिर जब इस लाइन को मिल जाएगी दो पॉइंट तो इनको ज्वाइंट कर देंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ऐसे ही करना है, एक लाइन लेनी है 6.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट काटना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जगह यहाँ पे रखकर एक आर्क काटेंगे, एक यहाँ से आर्क काटेंगे, एक नीचे से इधर पे रखकर एक नीचे से आर्क काटेंगे, एक नीचे से, और उसको जो पॉइंट मिलेंगे उनको ज्वाइंट कर देंगे आपस में, ठीक है। और लिख देंगे कि ये उसका बाइसेक्ट है। आ रहे हैं समझ में कैसे करना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन में देखिए, यूजिंग अ प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट एन एंगल 75 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रोटेक्टर लीजिएगा, उससे 75 डिग्री का एंगल बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 पॉइंट, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो BC जितने की भी आएगी उसका हाफ लेकर आपको उसको राउंडर को खोलना है, हाफ लेकर जितनी भी BC लाइन होगी उसका आधा खोलेंगे आप और B पर रखकर उतने का क्या कर देंगे, एक हाफ सर्कल कट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। फिर ये जो एक पॉइंट मिलेगा इधर से उतने का ही 2.5 जितने का भी आए यहाँ पे एक आर्क काटेंगे A पर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उनको ज्वाइंट कर देंगे और लिख देंगे कि ABC कितने का है, 75 डिग्री का, ठीक है। अब हमको कंस्ट्रक्ट एक एंगल इक्वल करना है 75 के, ABC अभी हमको गिवन था, अब हमको एक और उसी के जैसे 75 डिग्री का ही एक और कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप क्या आ जाएगा, XYZ जो है वो आपने 75 का ही बनाया जो कि बराबर है ABC के, ठीक है। नाम बस अलग दे दिया, XYZ, ठीक। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th का ए वाले में है, विथ कंपास एंड अ रूलर कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको कंपास और रूलर से कंस्ट्रक्ट करना है 30 का, तो आप 30 का एंगल पहले बना लेंगे, ठीक है। फिर जितने की ये लेंथ होगी उससे मैंने बताया आधा एक आर्क, ठीक है, ये कैंसिल करेंगे, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से एक इधर पे भी काटेंगे, एक इस लाइन पे भी काटेंगे और एक ही पॉइंट मिला यहाँ से भी काटेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये AOB और ये OBC जो है वो बराबर होंगे 30-30 के, ठीक है। फिर ऐसे ही B वाले में हमको 45 का बनाना था तो 45 का हमने बना दिया, सेम वैसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा C वाले में 75 का बनाना है तो हमने 75 का बना लिया, आर काट दिए। D वाले में हमको 67 सही हाफ का करना था तो हमने बना दिया। जो आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपने सीख लिया है आपने प्रोटेक्टर से कैसे बनाया जाता है। तो ये सारे एंगल्स बनाए हुए हैं, ये आपको बना लेने हैं अच्छी तरीके से कॉपी, और कोई भी स्केल पेंसिल के अलावा नहीं बनाएगा। पहली बात तो पेन से नहीं बनाएगा और दूसरी बात बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। फिर आता है अपन का 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना, नहीं 120 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप 120 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। फिर बिता एंगल, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, फिर आपको 90 डिग्री का एक एंगल करना है। तो ये जो BAY है वो देखिए कितने का, 90 डिग्री का दिख रहा है, तो ये BAY 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा था, सेम बाकी वही चीज करना है उसको। फिर इधर से दो पॉइंट मिलेंगे तो एक यहाँ से ज्वाइन करेंगे, एक यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इधर से कट किया यहाँ से, फिर उनको ज्वाइन कर दिया। तो ये था 8th। ऐसे ही 9th वाला है, ड्रॉ लीनियर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्ट ईच ऑफ देम। तो आपको इसमें ये एक डायग्राम दिया गया है, आपको सिमिलरली सेम ऐसा ही बनाना है लेकिन नंबर अल्फाबेट चेंज कर देना है। जैसे ये AB का चल रहा है ना तो हम PQ का बनाएंगे, PQR का, बाकी सब सेम रहेगा,
ठीक है। बाकी सब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पी क्यू आर ले लेंगे या एस टी यू ले लेंगे, ठीक है। और बाकी सेम जैसा ये बना है वैसा ही हमने बनाया है यहाँ पे, और हम लिख देंगे कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो यू क्यू जो होगा, यू क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, क्यू एस के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल्फ प्रैक्टिस जो है 1 to 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसको अच्छी तरीके से कॉपी में कीजिएगा, ये जो आर्क कटे हैं इनको पेंसिल से ही काटना है अच्छी तरीके से, ठीक है, डिवाइडर प्रोटेक्टर सबका यूज़ करके। ओके, थैंक यू।